नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, मेरे इस एकेडमिक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि हम बनाने जा रहे हैं कुछ वीडियोस जिसके बारे में हम करियर के बारे में सोचेंगे। तो जब हम करियर के बारे में वीडियोस बना रहे हैं तो पिछला वीडियो जो हमने बनाया था हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, उस वीडियो में हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया था। और इस सेकेंड वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो भी हमने स्टेजेस देखी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, जैसे कि CPT, IPCC और फाइनल, और उस पूरे तीन स्टेजों पे हर एक वीडियो बनाने का और एक सेपरेट वीडियो बनाने का हमने डिसाइड किया है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो हमें तीन स्टेजेस में से जाना पड़ता है। पहला स्टेज होता है CPT, जो हम 10th और 12th के बाद जा सकते हैं। दूसरा स्टेज होता है जो IPCC, जो हम डिग्री के बाद जा सकते हैं, और जब हम IPCC क्लियर कर पाएंगे तो हम फाइनल में जा सकते हैं। ये जो सारे स्टेजेस हैं उसको हमें कंप्लीट करना है, और उसके बाद ही हमारा जो सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, तभी वो कंप्लीट हो सकता है। तो इसके बारे में मैंने डिसाइड किया है कि आपको हर एक स्टेज के बारे में सेपरेट वीडियो थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। इसलिए मैंने जो पहला वीडियो बनाया था वो बेसिक था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स क्या है, कौन से स्टेजेस हैं, कौन सा स्टेजेस के लिए क्या क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए और इनरोलमेंट करने के लिए, उसके बारे में हमने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया था। आज इस वीडियो में हम एक अलग इन्फॉर्मेशन ले गए और उस इन्फॉर्मेशन के लिए हम आज तैयार हैं। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल में नए हैं, आपने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे सब चैनल का नाम है एकेडमिक इंसाइट्स। साथ में जो आपको बेल आइकॉन दिख रहा है उस बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ आपको आगे भी जाके मिलते रहेंगे। साथ में जब आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को आपको आपके फ्रेंड के साथ, रिलेटिव्स के साथ और आपके दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम फ्यूचर में आगे जाके इस चैनल्स को और वीडियोस को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हम इन्फॉर्मेशन लेंगे CA CPT के बारे में। जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपको CA करना है तो आपको तीन स्टेजेस से जाना होगा। पहला स्टेजेस है CPT, दूसरा स्टेज है IPCC और तीसरा है फाइनल। अगर आपको CA बनना है तो CA जनरली ये 5 साल का कोर्स है, और ये 5 साल में आपको तीन स्टेजेस में जाना है। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि CA CPT किसके लिए होता है। जो लोग CA के लिए 10th के बाद और 12th के बाद एनरोलमेंट करते हैं, उनके लिए इसको CA CPT बोलते हैं। इसको शुरू में और जब ये CA में आते थे तब उसको हम फाउंडेशन भी बोलते थे, मगर अभी इसको फाउंडेशन नहीं बोलते, CPT बोलते हैं। अगर आप 10th के बाद 12th के बाद CA में एनरोलमेंट करना चाहते हो तो ये आपको एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है, और ये आप एग्ज़ाम देने के बाद ही आपके जो स्टेजेस हैं, अगर इसमें आप पास कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो और क्वालिफाई कर रहे हो, तो आगे जाके आपको FACC में और जैसे कि फाइनल में एडमिशन मिल सकता है। तो ये है CA CPT का पूरा फॉर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमन प्रो एफिशिएंसी टेस्ट। ये एक टेस्ट है जिसके थ्रू आपको एक एंट्री लेवल का टेस्ट है जिसके थ्रू आपको CA में एडमिशन मिल सकता है। तो दिस CPT इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉमन प्रो एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम CPT बोलते हैं। उसके बारे में अगर जहाँ तक इसके एलिजिबिलिटी का सवाल है, तो उसके लिए हमें देखना है कि कैसे हम इसको एलिजिबल बन सकते हैं। तो इसके लिए जो बच्चे 10th और 12th पास करते हैं, कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई ICSE का हो, CBSE का हो, कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो 10+2 है और 10th है, वो सब लोग और वो सब मेरे प्यारे दोस्त CA CPT के लिए एनरोलमेंट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। याद रखो, जिन्होंने 10th किया है, 12th किया है, वो लोग CA CPT के लिए एनरोल कर सकते हैं, और उसके लिए कोई भी ऐसा सेपरेट कंडीशन है ही नहीं। आपका कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सेंट्रल बोर्ड का हो, आपका 10+12 होना ज़रूरी है। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे जाके देखेंगे हम और क्या चीज़ें हैं जो CA CPT के लिए ज़रूरी हैं। अगर जहाँ तक सब्जेक्ट का सवाल है, तो इसके लिए 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। जब भी आप एनरोलमेंट कर पाएंगे तो आपको 4 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हो, उसके लिए मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया भी उन्होंने दिया है। एग्रीगेट क्राइटेरिया होता है 50% मार्क्स का। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है पूरा मिला के, तो आपको 50 मार्क्स लेना ज़रूरी है।
तो देखेंगे यहाँ पे कौन से एग्ज़ाम्स, कौन से सब्जेक्ट्स सी एस सी पी टी में पढ़ाए जाते हैं और कौन से एग्ज़ाम्स सब्जेक्ट्स वहाँ पे होते हैं। जैसे कि पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, देन दूसरा है मर्केंटाइल लॉ, तीसरा है जनरल इकोनॉमिक्स और चौथा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। ये चार सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और उनके मार्क्स भी यहाँ पे दिए हैं। जैसे कि फाइनेंस फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के लिए 60 मार्क्स है, मर्केंटाइल लॉ के लिए 40 मार्क्स है, जनरल इकोनॉमिक्स के लिए 50 मार्क्स है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के लिए 50 मार्क्स हैं। तो पूरे मिला के 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और वो 200 मार्क्स में से कम 100 मार्क्स लेना ज़रूरी है। अगर आपको 100 मार्क्स नहीं आते हैं तो आप उस एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाते हो। अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो 100 मार्क्स मिलाना ही मिलाना है। अगर नहीं मिलते हैं तो आपका रिज़ल्ट निगेटिव आ सकता है। तो हर एक के हिसाब से उन्होंने मिनिमम मार्क्स दिए हैं। अगर आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में पास करना है तो आपको 18 मार्क्स लेना ज़रूरी है। अगर मर्केंटाइल लॉ में आपको पास करना है तो 12 मार्क्स लेना ज़रूरी है। जनरल इकोनॉमिक्स में आपको पास करना है तो 15 मार्क्स लेना ज़रूरी है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आपको पास करना है तो 15 मार्क्स लेना ज़रूरी है। अगर याद रखना है आपको टोटल पूरा मिला के एग्रीगेट 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसका मतलब है अगर 200 में से आपको 100 मार्क्स नहीं मिलते हैं तो आप फेल हो जाते हो। अगर आपको पास होना है तो आपको 100 मार्क्स लेना है आउट ऑफ 200, याद रखना है। सो ये है उसका पासिंग क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने अभी बोला ही है, आपको 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है, 200 में से आपको 100 मार्क्स लेना ज़रूरी है। और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के बारे में अगर बात करेंगे तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में 18 मार्क्स, मर्केंटाइल में 12, जनरल इकोनॉमिक्स में 15, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15। इस प्रकार से आपको ये पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है और इसको आपको फॉलो करना है, इसको आप हमेशा याद रखना है। और याद तो यही रखना है कि 50% मार्क्स आपको कैसे आएंगे। और एक बड़ी बात है, अगर आप सी एस सी में जा रहे हो तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है। आपने अगर गलत आंसर दिया है तो उसके लिए आपके मार्क्स माइनस हो जाते हैं। और एक बड़ी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, सी एस सी पी टी का एग्ज़ाम ये MCQ फॉर्मेट में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे और आपको उनके आंसर्स देना ज़रूरी होता है और टिक मार्क करना ज़रूरी होता है। मगर यहाँ पे आपको याद रखना है, कभी भी ये चीज़ नहीं भूलना है, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये सी एस सी पी टी एग्जामिनेशन के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होता है। ये क्या होता है नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, अगर आप एक भी आंसर गलत दोगे तो उस गलत आंसर के लिए आपके मार्क्स काटे जाते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको आंसर फॉर्म नहीं है, आपका आंसर कन्फर्म नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कि आंसर मेरा कन्फर्म नहीं है, तो उस आंसर को आप छोड़ दे सकते हो। अगर लिखोगे, अगर गलत हो जाएगा तो उसके आपके मार्क्स माइनस हो जाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है, अगर आपका आंसर सही है तभी उसको लिखना है, अगर नहीं है तो छोड़ देने से आपको ज़्यादा फायदा है लिखने से। सो, मेरे दोस्तों, ये था पासिंग क्राइटेरिया। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा ये एकेडमिक इनसाइट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में आपको ये बेल आइकॉन भी प्रेस करना है ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ आगे भी जाके मिलते रहेंगे। और रियली लाइक माई वीडियोज़, और ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हो दूसरों के फ़ायदे के लिए, दूसरों को शेयर करो, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी कलीग्स हैं उनको शेयर करो और साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि हम इस चैनल को और भी अच्छी तरह से बेहतर बना पाएँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।